हेलो फ्रेंड्स, वी ऑल नो गणेश शिवारकर हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज ही वॉज वेरी मच साइलेंट ऑन सुशांत सिंह राजपूत केस, बट नाउ फ्यू डेज बैक ही हैज़ अगेन स्पोकन एंड दिस टाइम ही हैज़ मेड सम बिग रिवेलेशंस रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत एंड मैनी थिंग्स रिलेटेड टू हिम. सो लेट अस सी वॉट गणेश शिवारकर सेज. आज मैं ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूँ जो चीजें नॉर्मल आप लोगों को यूट्यूब से इधर उधर से नहीं पता रखती. जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा सुशांत के साथ, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट उसने बड़े बड़े लोगों के साथ किए थे और उसके बाद उन लोगों ने उसके साथ क्या किया, इस पूरी डिटेल और पूरी डिटेल प्रॉपर चीजों के साथ मैंने आज यशराज का कुछ लोग थे वहां जो सेलिब्रिटी मैनेज करते हैं और सब की चीजें करते हैं, उनका सुशांत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट खुद पड़ा है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताऊं. जो पवित्र रिश्ता के बाद काई पोचे एक फिल्म आई जो अभिषेक कपूर, जो एकता कपूर के कजन भाई है, उन्होंने पिक्चर बनाई और वो फिल्म हो गई सक्सेसफुल. पूरा क्रेडिट सुशांत को गया है, अभिषेक कपूर ने अच्छे डायरेक्शन की थी और सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग औसम थी. उसके बाद उस फिल्म के बाद, क्योंकि यशराज की नजर में जैसे कोई आता है कि ये बनने वाला, ये कुछ बन सकता है, बड़ा बन सकता है, तो इसको कैश किया जाए, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ यशराज का. उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था वो क्लियर कट आपको बताता हूँ. उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था, सबसे पहले 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हो, 3 फिल्में फिनिश होने तक, वो 3 फिल्में यशराज जब चाहेगी तब फिनिश करेगी और वो फिनिश होने तक सुशांत किसी और के साथ काम नहीं कर सकता, ना कोई ब्रांड एम्बेसडर, ना कोई एंडोर्समेंट डील ले सकता है, ना कोई फिल्म कर सकता है किसी के साथ, ना कुछ. अब पहली फिल्म आई थी है शुद्ध देसी रोमांस, लेकिन उस फिल्म में सुशांत को पहले शुद्ध देसी रोमांस के लिए उस फिल्म में पैसे दिए गए थे 30 लाख, और उसमें ये मेंशन था कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर शुद्ध देसी रोमांस हिट होता है, सुपर हिट होता है, तो नेक्स्ट फिल्म में उनको दिया जाएगा 60 लाख, और अगर नेक्स्ट फिल्म हिट होती है तो 3 नंबर की फिल्म जो होगी उसमें दिया जाएगा 1 करोड़. लेकिन ये फिल्म हिट है या फ्लॉप है ये डिसाइड कौन करेगा? ऑडियंस नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं, ये डिसाइड खुद आदित्य चोपड़ा डिसाइड करेंगे. उन्होंने कहा नहीं, मैं तो 1000 करोड़ सोच रहा था, तो आपको तो 300 करोड़ ही मिले, तो नहीं, तो वो डिसाइड करेंगे पिक्चर हिट है या फ्लॉप. फिर 30 लाख रुपए शुद्ध देसी रोमांस में मिला. शुद्ध देसी रोमांस एक अच्छी फिल्म थी और सक्सेसफुल हो गई. उसके बाद सेकंड फिल्म के लिए 1 साल रुकाया गया. 1 साल के बाद ब्योमकेश बख्शिया, अब उसके बाद बैनर्जी की फिल्म थी ब्योमकेश बख्शी का असम, वो कलकत्ता का, और वो मैं ओल्ड विलेज दिखा रहा वो सब, और सुशांत की एक्टिंग असम. फिल्म क्यों नहीं चली वो पता है, मुझे बहुत अच्छी लगी, फिल्म क्यों नहीं चली पता. उसके बाद उस फिल्म के बाद तीसरी फिल्म के लिए सुशांत ने बहुत वेट किया, यशराज की फिल्म के लिए बहुत वेट किया. यशराज के साथ शेखर कपूर का पानी फिल्म आनी थी, उस पानी के लिए यशराज के साथ कॉन्टैक्ट था, लेकिन उसकी क्रिएटिव शेखर कपूर बहुत ही ज्यादा उसमें पानी में इतना अंदर घुस गया था. पहले ऋतिक रोशन का साइन करते हैं, फिर उनको लगता है नहीं सुशांत उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर सुशांत को साइन करते हैं. फिर उसके बाद भी उसका कितने इसके बाद भी वो फिल्म होती नहीं है. उसके बाद क्रिएटिव के लिए बैठते हैं आदित्य चोपड़ा के पास, फिर वो जमती नहीं है डील उनकी, तो फिर वो बोलते नहीं करेंगे फिल्म. तो उसमें से सुशांत का, मतलब जिस फिल्म के लिए उसने यशराज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिस फिल्म के लिए उसने इतना वेट किया था, जिस फिल्म के लिए उसको क्रिएटिवली इस तरह से हम जानते हैं सुशांत को, क्रिएटिवली कुछ अलग 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 फिल्में करता है हमेशा देखा, तो वो फिल्म अलग थी, इसके लिए उसने किया था, लेकिन उस फिल्म के लिए उसको वेट किया गया. और इसी बीच में रामलीला बाजीराव मस्तान, ये जो सीक्वेंस था ये किसी एक्टर को देना था, विद्यु विनोद चोपड़ा जी का प्रोडक्शन में, प्रोड्यूसर में संजय लीला बंसाली के इसमें, तो वो सुशांत के लिए बोली गई, लेकिन वो किसी कारणवश वो कही रणवीर से. यशराज को किसी ना किसी को वो फिल्म का वो देना था, लेकिन उन्होंने सुशांत को रोक के रखा और रणवीर सिंह को दे. और रणवीर सिंह इसमें फिर वो पूरी की पूरी सीक्वेंस करता गया और सुशांत पानी के चक्कर में रुक गया और पानी के हाथ से. लेकिन फिर भी मैंने हमेशा कहा है कि इन सब चीजों की वजह से वो डिप्रेशन में नहीं आने वाला है,
और वो नहीं मानता ये सब चीजों को, उससे 100 फिल्में छीन लो तो भी वो डिप्रेशन में नहीं आ सकता। तो उसने फिर से शुरुआत की, फिर से एमएस धोनी और ये सब सीक्वेंस की लाइनें लगा दी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत है, ये हकीकत है कि अगर आपने यशराज, सलमान, अरबाज, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, बहुत सारे ऐसे नाम है, इन लोगों को अगर आपने मना किया तो आपका इंडस्ट्री में काम करना तो बड़ा मुश्किल है, नहीं करने देंगे ये काम। उनके प्रोडक्शन से तो आप आउट हो ही, उनके जो सर्कल से वहां से भी आउट, पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप हर तरह से आउट। उसके बाद की जो फिल्में थी वो भी देखो कौन सी थी, एमएस धोनी, नीरज पांडे, इंडिपेंडेंट, फॉक्स स्टार, सोन चिड़िया, छिछोरे। अच्छा छिछोरे फिल्म कम बजट की फिल्म, 150 करोड़ रुपए कमाती, उसके बाद 6 से 7 फिल्में उसने साइन करनी थी, 6 से 7 फिल्में साइन हुई ही नहीं, बल्कि उसके हाथ से 6 से 7 सारी की सारी चली गई है। तो सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लॉबी का काम। आज कुछ यशराज में प्रोडक्शन में कुछ लोग काम करते हैं जो सेलिब्रिटी मैनेज करते हैं यशराज की, उन लोगों के साथ मिलना हुआ काफी दिन बाद, तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने काफी दिन पहले ही पढ़ा था, लेकिन आज उन्होंने पूरा डिटेल दिखाया, कुछ दिन पहले ही उन्होंने बताया था मुझे, लेकिन आज पूरा डिटेल बताया। और छिछोरे के बाद जो 6-7 फिल्में गई है वो सब चीजें बताई, तब मुझे समझ में आया कि क्या करना है, किस तरह से। हमेशा बात करता हूँ कि आगे क्या करना है, आगे आप देखो फिल्म इंडस्ट्री में ना एक फिल्म बनाना बहुत छोटी चीज है। मैं गोविंदा जी के साथ काम करता था, मुझे पता है फिल्में ऐसी कितनी सारी फिल्में उनके डब्बे में चली, रिलीज ही नहीं होने दी, कहा जाओ क्या। फिल्म तो आपने घर के पैसे लगा के बना डाला, अच्छा सा डायरेक्शन करके, अच्छे अच्छे लोगों को लेके, आर्टिस्ट लेके फिल्म बना डाले, आप रिलीज कहाँ करो, प्रमोशन कहाँ करो, यूट्यूब प्रमोशन चैनल्स इनके, प्रमोशन सैटेलाइट नेटवर्क इनके, पीवीआर थिएटर इनके, नेटफ्लिक्स और सारी की सारी चीजें इनके, आप कहा करो। ऐसे कई प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने गोविंदा जी के साथ फिल्म की, पूरी कर दी खत्म, तो पिक्चर रिलीज ही नहीं, तो प्रोड्यूसर आज भी रोड पे धक्के खाते घूमते रहते हैं, और फिल्म डब्बे में गिर के 10 साल गए, कुछ फिल्मों को 4 साल हो गए, कुछ फिल्मों को 2 साल हो गए, थिएटर में रिलीज ही नहीं। जब कोई आज किसी चीज को मना करता है, किसी बड़े स्टार को या किसी बड़े प्रोडक्शन को, तो उनके दिमाग दिल में दिमाग में बात रह जाती है, और फिर वो किस तरह से करते हैं, ये सब चीजें हैं। तो सुशांत के साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डिप्रेशन में था, नहीं, लेकिन ये इंडस्ट्री में होता है। कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में होता है और इंडस्ट्री में होता रहेगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम ऐसी फिल्मों को चांस दें, देखें जो वाकई में क्रिएटिवली हो, ताकि थिएटर में एक बार क्या होता है, एक बार वो चीज आ जाती है दिमाग में लोगों के, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, हर चीज में डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अलग अलग गांव में छोटे छोटे शहर में डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग तरीके से फैले हैं। जैसे कोई एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, उसको बेचने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिल्म के लिए भी होते हैं, थिएटर्स उनके हाथ में होते हैं, 6-7 अलग थिएटर जो भी इंडिया में, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि अच्छा आप इतने लड़ो, आप इतने लड़ो, आप इतने लड़ो, छोटी फिल्मों को मिलते ही नहीं है, और जो भी क्रिएटिव कितनी भी अच्छी फिल्म बना उनको मिलते ही नहीं है थिएटर, क्या करते हैं, सिंगल थिएटर में चली जाती है फिल्में, गाँव खेले में लगती है, और वहां तो वैसे भी नए आर्टिस्ट को तो जानते ही नहीं, संजय मिश्रा जैसे आर्टिस्ट को छोटे गाँव में कौन जाता, वहां तो सलमान शाहरुख यही हो जाते, तो उनकी पिक्चर लगेगी भी तो देखेगा कौन। सो ये है हकीकत सुशांत के साथ जो भी हुआ इंडस्ट्री में। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊं, लेकिन ये सो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गणेश शिवारकर? वी ऑल SSRians आर ईगरली वेटिंग फॉर जस्टिस ऑफ SSR, बट स्टिल नो अपडेट हैज बीन गिवन बाय CBI, बट आई थिंक वी शुड नॉट एंड विल नॉट स्टॉप फाइटिंग फॉर जस्टिस ऑफ SSR. What do you think about this video? Please let me know. As soon as I get more information regarding this, I shall let you know. Till then, stay connected for more updates. Thank you.